इस वीडियो के अंदर हम CPS शेपर्स के IPO के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस IPO के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी शेपवेयर बनाने का ये कंपनी काम करती है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। यहाँ पे ये कंपनी शेपवेयर बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि एक छोटी कंपनी है जहाँ पे ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, यानी कि कोई ट्रेडिंग का काम नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लगा है। अगर हम कंपनी के अगर मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन मॉडल भी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और यहाँ पे कंपनी के कुछ ऑफलाइन चैनल्स हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सारी शेपवेयर कंपनी के प्रोडक्ट में इंक्लूड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे मिनी शेपर हो गया, स्पोर्ट्स ब्रा हो गया, फिर उसके अलावा जो मिनी कॉर्सेट्स होते हैं, फिर टमी रिड्यूसर हो गया, फिर स्लिमर एक्टिव पैंट्स हो गया, डेनिम हो गया। तो ये सारे तरीके के जो भी शेपवेयर होते हैं वो यहाँ पे कंपनी सेल करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर अभी कंपनी ने ये बताया कि इनका जो नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 28 स्टेट के नाम यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट हमें सेल होता हुआ नजर आता है, और अभी यहाँ पे कंपनी 5 कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लगा, क्योंकि देखिए अगर हम ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट सेल होता है और वहाँ पर अगर आप 2.5 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप कर रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव यहाँ पे लगा है। क्योंकि देखिए अगर आप एक नॉर्मल एक स्टेट में भी अगर आप काम करोगे, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू अगर अच्छी है, तो आराम से मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से एक स्टेट के अंदर भी अच्छे से फोकस करके मेरे ख्याल से की जा सकती है। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिकता नहीं है इतना, क्योंकि इसीलिए कंपनी ने इतना ज़्यादा अपना डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंपनी ने इतने छोटे लेवल पर किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे मीरठ उत्तर प्रदेश के नाम यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। लेकिन अगर हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पालघर महाराष्ट्र के नाम यहाँ पे कंपनी की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नजर आती है, और उसके अलावा तिरुपुर जो कि तमिलनाडु में हमें यहाँ पे कंपनी की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नजर आती है। अब ये भी मुझे थोड़ा अजीब सा यहाँ पे लगा, चूंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रोड्यूस करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर वहाँ पे कंपनी का वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में, तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग इतना अलग क्यों है, जो कि नॉर्मली जहाँ पर आप प्रोड्यूस करते हो उसके आजू बाजू में आपका वेयर हाउसिंग का जो हब है आपका वहाँ पे होना चाहिए, तो ये इतना अलग क्यों है, ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो IPO से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे यहाँ पे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कंपनी को खरीदना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का IPO आ रहा है। एक कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, लगभग 9 लाख रुपए के लगभग का कोई कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे कंपनी को खरीदना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सोलर पावर का सिस्टम यहाँ पे कंपनी को लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी अराउंड 21 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी खर्च करने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी का भी करेंटली जो IT सॉफ्टवेयर है उसे कंपनी को अपडेट करना है, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का IPO आ रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग्स वगैरह है जो यहाँ पे बैंक से इन्होंने लोन्स वगैरह लिए हुए उसे कंपनी यहाँ पे रिपे करेगी, और ये अमाउंट की अगर हम बात करेंगे लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग की जो बोरिंग है वो यहाँ पे कंपनी हमें रिपे करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा लगभग 4 करोड़ के लगभग की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि देखिए अगर कंपनी का लोन्स वगैरह अगर कंपनी के कम हो जाएंगे तो इससे फाइनेंशियल रिस्क जो कंपनी का होगा वो यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा। अब ये प्लांट एंड मशीनरी अगर कंपनी इसको अच्छे से अगर इंस्टॉल वगैरह करती है तो वहाँ पर अगर उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभिषेक कमल कुमार जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और उसके अलावा राजेंद्र कुमार ये दोनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 14 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अराउंड 36 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो गया, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 2.5 गुना के लगभग कंपनी का रेवेन्यू हमें यहाँ पे 2 साल में बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो इनका जो फिनिश प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ से भी पे निगे रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए अभी कंपनी ने यह बताया कि हम उनका 28 स्टेट के लगभग वो कंपनी काम करती है, उसके अलावा 5 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अराउंड 33 यहाँ पे एरियाज में कंपनी का ये प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 36 करोड़ के रेवेन्यू, यानी कि पर अगर हम
स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी हमें वहाँ से करती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि इतना ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इतना अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमें सीधा नंबर देखिए यहाँ पे पता चलता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे अराउंड 38 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर अगर हम देखेंगे लगभग यहाँ पे 2.46 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का नंबर आया है। यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम अभी भी देखेंगे तो लगभग 10% के लगभग का कंपनी का मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर 100-150 करोड़ के लगभग कंपनी अगर पहुंचेगी तो वहां पे लगभग कंपनी का जो मार्जिन है मेरे ख्याल से 10-11% के लगभग वहां पे हो जाएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में इतना दम हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 31 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 185 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, लगभग 600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे लगभग यहाँ पर आपको 1,11,000 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे 5% का हमें यहाँ पे मार्केट मेकर नजर आता है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा मान के चलिए लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आएगा। तो अभी 1,11,000 है, यानी कि लगभग रिटेल कोटा के अंदर हमें यहाँ पे 500 लॉट हमें यहाँ पे टोटल नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 6 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 8 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 38-39 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और लगभग पिछले साल की 2.5 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और इसी रेंज में अगर हम देखेंगे तो 2 और हमें एचएमई आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। एक 60% का आईपीओ और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक मोनो फार्मा केयर करके एक आईपीओ। तो उन दोनों आईपीओ की अगर हम बात करेंगे दोनों कंपनी में इतना ज्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर ये कंपनी की अगर बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है और थोड़े नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से थोड़े जेन्युइन हमें यहाँ पे नंबर्स नजर आते हैं। कोई ज्यादा विंडो ड्रेसिंग हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में नजर नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो उन बाकी दोनों आईपीओ के कंपेरिजन में यह आईपीओ थोड़ा अच्छा करना चाहिए और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि उन ये दोनों कंपनीज के कंपेरिजन में ये जो कंपनी है मेरे ख्याल से हमें प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और ये कंपनी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए अगर ये बुल मार्केट अगर 5-6 महीने यानी कि लगभग 1 साल अगर और कंटिन्यू रहता है तो ये कंपनी मुझे लगता है कि कम से कम जो इश्यू प्राइस है उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे डबल होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए थोड़ा एसएमई कंपनीज है, थोड़ा अपने कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा अपने कैपिटल का 10-15% यानी कि अगर आप यहाँ पे 1,11,000 रुपये अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो वहाँ पर अगर 10-15% का अगर आपको लॉस हो जाता है तो उतना अगर आप उसको अगर आप बुक कर सकते हो तो ही मेरे ख्याल से अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार के मिनिमम प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। दोस्तों मैं कहता हूँ कि सीपीएस शेपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।